हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक। लग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं मिलती है कि नहीं। सो गाइस, जब भी सिद्धिविनायक टेंपल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, गाड़ी पार्क कहाँ करें। और मंदिर के जस्ट ऑपोजिट साइड पर रोड साइड लोग पार्क करते हैं, बट पहले तो कैसे होता था कि अलाउ नहीं था तो फाइन लग जाता था। बट अभी मुंबई में इवन ऑड पार्किंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जिसमें ईस्टर्न रोड के ईस्टर्न साइड पर आप इवन डेज में पार्क कर सकते हैं और वेस्टर्न साइड पर ऑड डेज में पार्क कर सकते हैं। इवन और ऑड मींस जो हमारा डेट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आज हम 31st को यहाँ आए, ये ऑड नंबर है, तो आज हम वेस्टर्न साइड पर, हमें यहाँ पर रोड के वेस्टर्न साइड पर हमें पार्किंग मिल गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मंदिर का फ्रंट एंट्री गेट है। यहाँ सिद्धिविनायक टेंपल में दो साइड से एंट्री होती है, एक बैक साइड से भी एंट्री गेट है, ये फ्रंट गेट है आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह से पीछे से भी एक एंट्री है। और आज संडे है एंड 31st है। हम पहले यहाँ पर चेक इन होता है या बैग वगैरह चेक करवाना पड़ता है, उसके बाद ही हम मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर एंटर कर सकते हैं। और गाइज, ये हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। जैसे कि दिख रहा है यहाँ काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं और काफ़ी सारे काउंटर शॉप्स हैं जिन पे नंबर लिखे हुए हैं। और अभी शाम का 4:30 हो रहा है, बाहर काफ़ी धूप है लेकिन अंदर आके बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, पूरा शेडेड है। एंड अभी हम लोग यहाँ सबसे पहले अपने शूज़ सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। शूज़ सबमिट करने के लिए थोड़ा आगे जाकर हमको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता। हम यहाँ पर, ये काउंटर नंबर 13 है, यहाँ पर हम अपने शूज़ सबमिट कर सकते हैं। एंड गाइस, इसके जस्ट जस्ट सामने ही पब्लिक वॉशरूम भी है, अगर किसी को वॉशरूम यूज़ करना है वो भी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, वो भी शूज़ काउंटर के जस्ट सामने है। और गाइस, ये जो लाइन है ये नॉर्मल एंट्री लाइन है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, और ये शाम का टाइम है हो तो अभी ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और यहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, और यहाँ पर भी शॉप पर भी आप चाहो तो अपने शूज़ छोड़ सकते हो और वापस आके लेके जा सकते हो। एंड अभी नॉर्मल लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग डोनेशन एंट्री के लाइन के थ्रू जाएंगे। बट हमारे, ये देख सकते हैं, 3 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर,
बट हमारे पास कैश नहीं है, तो हमने उनको पहले पूछा है कि ऑनलाइन पेमेंट है क्या, तो ही सेड कि हाँ है। एंड यहाँ पर ये अच्छी बात है बिकॉज़ लास्ट टाइम हम लोग जब नासिक गए थे वहाँ पर कैश ही अलाउ था, यहाँ पर दोनों फैसिलिटी है, कार्ड पेमेंट भी हम कर सकते हैं और जी पे भी कर सकते हैं, और पर पर्सन या 100 रुपीज़ चार्ज है डोनेशन एंट्री का, जिससे हमारे दर्शन थोड़े से जल्दी हो जाएंगे। और ये लाइन काफ़ी छोटी भी थी और आगे जाके दोनों लाइन मिल ही जाती हैं साथ में, और थोड़ी सी बस हमको गेट के जस्ट पहले ही भीड़ फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा क्राउड फेस करना पड़ता है, बाकी इतनी भीड़ नहीं है। और बस यहाँ पर गेट के पास थोड़ा सा भीड़ हमें क्राउड फेस करना पड़ा, बाकी दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। और ये गाइस प्रसाद काउंटर है, देख सकते हैं कितनी भीड़ है, काउंटर नंबर 3। बाहर आके हम यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं जिसका चार्ज लगता है 30 रुपीज़ पर पैकेट, और ये हमने प्रसाद लिया। इसके बाद हम लोग मुख दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये मुख दर्शन द्वार है, यहाँ से हम अंदर जाके दूर से अच्छे से भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जैसे कई बार भीड़ में हम लोग नहीं कर पाते हैं तो हम मुख दर्शन भी कर सकते हैं। और बाहर आके ये काफ़ी सारी सी शॉप्स हैं आप देख सकते हैं, एंड ये नॉर्मल लाइन अब भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। और इसके जस्ट सामने ही हमारा एंट्री जो दूसरा गेट है वो भी है, यहाँ पे दो गेट है जैसे कि मैंने पहले बताया, दोनों साइड से एंट्री और एग्जिट है। सो गाइस हमारा सिद्धि विनायक जो कि अनप्लान्ड था और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें, क्योंकि साउथ मुंबई काफ़ी कम होता है आना, आज हम लोगों ने सडन प्लान किया और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।